छिबरामऊ आलू मंडी में अभी की अगर बात की जाए तो न्यू हाईलैंड आलू है भैया। आलू दिखाइए, आलू अगर देखेंगे तो न्यू हाईलैंड आलू है। और हमारे साथ किसान दद्दा हैं, दद्दा से बातचीत करेंगे, कितने पैकेट आलू लाए हैं, कौन से क्षेत्र का है, क्या ये डंप आलू है या कहीं ना कहीं अगर माना जाए आलू खुदाई होकर खेत में आया। तो भैया बातचीत करते हैं, दद्दा क्या नाम है आपका? विपिन सिंह। कौन गाँव से लाए हैं इसको? रौसेन, ये सौरी क्षेत्र वाला। जी जी, तो रौसेन गाँव से लाए भैया। देखिये ये अगर आलू देखेंगे तो ये भैया रौसेन क्षेत्र से आया है। और आलू की अगर बात की जाए तो रोशन के ना गांव में दा क्या उम्मीद है, आलू कुछ खुद गया या डंप वाला है, कौन सा आलू है? ये डंप वाला है, ओली पहले वाला। तो डंप कुछ लगाए हैं अपने गांव में और लोगों? नहीं है, और कोई नहीं, एक आधे लगे हो तो लगे हो, वैसे मेरे अंदर तो कोई नहीं। कोई नहीं है। तो ये अपना आलू कितने रुपए में बिका है? ये 980 रुपए। 980 रुपए में कितने पैकेट की लाट थी भैया? ये 1 से 10 पैकेट की। 110 पैकेट की। तो भैया 110 पैकेट की लाट थी। देखिये सामने अगर दिखाएंगे तो ये ट्राली पे है और लगातार उतरने का भी कार्य चल रहा है। अगर भर्ती देखेंगे तो भर्ती भैया ठीक ठाक तरीके से है, 52-53 किलो वजन मान के चलिए रेशियो। और भैया से बातचीत करेंगे, हमारे साथ आलू आरती हैं और कहीं ना कहीं किसान यूनियन से भी जुड़े हुए हैं। तो भैया अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीरज भाटिया, भाटिया ट्रेडर्स हमारी फर्म है जी। और हम नमित मंडी छिबरामऊ में यहाँ बैठते हैं। अच्छा, मंडी की अगर जाना जाए तो क्या इस समय पोजिशन चल रही है, कल के और आज के भाव में क्या अंतर है हाईलैंड आलू की अगर बात की जाए? कल के भाव से लेके आज के भाव में 50 रुपए का अंतर है, आज भाव बढ़ा है। निवल में अगर बात की जाए तो कल 900 से लेके 900-950 तक की पोजीशन थी बढ़िया आलू की, आज भाव बढ़ गया है। आज बढ़ गया है। और उम्मीद है कल भाव इससे भी थोड़ा 10-20 रुपए बढ़ के ही रहेगा कल भी। तो हमें लग रहा है कि अगर माना जाए होली के बाद भाव में लगातार थोड़ी थोड़ी करके तेजी आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल तेजी आ रही है। और जो किसान भाइयों का डंप आलू लगा हुआ है, इस साल किसानों के लिए बहुत खुशी का माहौल बन रहा है। आलू के संबंध में आलू को अच्छे दाम किसानों को मिल रहे हैं, किसानों के चेहरे पर थोड़ी खुशहाली दिखाई पड़ रही है, इससे हम व्यापारियों का भी चेहरा खिला हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा किसान जब खुशहाल रहेगा तो हम व्यापारी भी खुशहाल रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भैया अगर जाना जाए, मान लीजिए कि तो हाईलैंड आलू आपके आज की तारीख में बिक गया, अन्य आलू की अगर बात की जाए तो क्षेत्र में क्या आपने 37-97 या हाइब्रिड आलू कुछ आता है मंडी में, क्या भाव वगैरह? यहाँ पे मंडी ये एक्सपोर्टर मंडी है, ये जिले में क्या 2-4-10 जिलों में ये बहुत अच्छी मंडी हमारी है जींस में, चाहे आलू हो, चाहे धान हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे मक्का हो, यहाँ ये हर ब्रांड की मंडी है। और यहाँ पे व्यापारी एक्सपोर्टर आते हैं, सारे बहरार के आती है। यहाँ पे कभी भी माल किसानों का सस्ता नहीं बिकता है, सस्ता नहीं बिकता। इस मंडी में कोई किसी दुकान पर माल सस्ता नहीं बिक सकता है, यहाँ पे हमेशा ऊंचा बोली लगती है, ऊंचा। हाँ, तो आज अगर माना जाए हाइब्रिड आलू आज की तारीख में मंडी में क्या पोजीशन में, नंबर एक वाले विषय नंबर दो वाले क्या पोजीशन? हाइब्रिड आलू की पोजीशन मानिए आप 800 रुपए से लेके 825 तक की बढ़िया पोजीशन रही है। और जैसे 37-97 है तो 8.5 तक की पोजीशन है। 8.5? जी जी जी। अच्छा, 2 नंबर वाले कुछ जानकारी है? दो नंबर वाले की भी जानकारी, 2 नंबर वाले जैसे हल्की चेचक है और घुघिया हल्की आ जाती है 2-4-10%, तो वो 700 के 750 के आसपास बिच रहे हैं। 750? जी जी जी। तो ये स्थिति है फिलहाल में छिबरामऊ आलू मंडी की। भैया क्या देखिए, दुकान वाला बोर्ड भी दिखा दीजिए इधर, अगर सामने देखेंगे तो भैया की ये है दुकान। और आलू की अगर बात की जाए तो आलू लगातार मंडी में आ रहा है, तो भैया आमदनी वगैरह कुछ रेशियो है क्या, लगभग कितनी आमदनी होगी, कुछ अंदाज है? आमदनी भाई साहब ये मानिए किसानों के चेहरे पर खुशी का माहौल है, तो वो डंप वाला लेके आ रहा, इसमें मानिए बहुत ज्यादा आमदनी नहीं, 10 से 15 मोटर की आमदनी बहुत मुश्किल आ रही है। अब भैया उम्मीद अगर की जाए तो डंप कब तक चल सकता है क्या आपको? डंप ये मानिए कोल्ड भी खुल गए हैं, आप तो देखते हैं कोल्ड भी, हाँ कोल्ड भी लगातार लोडिंग कोल्ड से भी चल रही है, और डंप वाला आलू आ रहा तो व्यापारीगण यहाँ से भी ले रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ लेने से ये फायदा हो जाता है कि थोड़ा भाड़े में छूट मिल जाती है। तो लागे अगर माना जाए 10-15 दिन अभी चलेगा? हाँ, अभी 10-15 दिन चलने की उम्मीद आलू है, डंप है अभी अच्छा खासा, कई क्षेत्रों में मोहम्मदाबाद एरिया है वहाँ का आलू इसी मंडी में आता है। अच्छा, मोहम्मदाबाद फरुखाबाद नहीं जाता? हाँ, फरुखाबाद नहीं जाता, मोहम्मदाबाद एरिया नवादा आबादा का आलू सब छिबरामऊ मंडी में आता है। उम्मीद है अभी 10-15 दिन चलेगा? हाँ, 10-15 दिन आलू चलने की उम्मीद अच्छी है, और बहुत खुशी का माहौल है इस समय किसानों के लिए कि किसानों की फसल का उचित मूल्य किसानों को मिल रहा है, जिससे वो खाद बीज से निजात पा रहा है और उसे कुछ राहत बचत मिल रही है, जिससे वो अपने घरेलू कार्य, नए ट्रैक्टर और अपने मकान निर्माण कार्य में भी लगातार लगा हुआ है। अपनी दुकान की तरफ से और आपके तरफ से किसान भाइयों के लिए क्या संदेश है, जो किसान भाई डंप लगाए हैं उनको आलू भी बेचना चाहिए, थोड़ा इंतजार और करना चाहिए आपकी तरफ से? मेरा तो यही मानना है किसान भाइयों को आलू इसलिए बेचना चाहिए, अगर मंडी में भरपूर मात्रा में आलू नहीं आएगा तो व्यापारी गण नहीं आएगा। बिल्कुल, जब व्यापारी नहीं आएगा तो उसका कम दामों में आलू मांगा जाएगा, वो कोल्ड लोग तरफ रुक, जिस दिन व्यापारी कर गया उस दिन मंडी में फिर कुछ नहीं रह जाएगा। बिल्कुल।
हाँ, अब कोल्ड तरफ रुख होने वाला है अभी, चलो 10-5 गाड़ी आ रही है तो इसलिए वो मंडी में घुसा है। अब जब उसे पता चले हम 200 की लाट मिल गई और पूरी गाड़ी खड़ी नहीं मिल रही, तो कोल्डो में जाना पड़ेगा, फिर वो नहीं मंडी आएगा। तो किसान भाइयों से यही निवेदन है कि भाव अच्छे चल रहे हैं, किसान भाइयों को अपना आलू बेचना चाहिए और निकाल के मंडियों में लाए और अपना आलू का उचित मूल्य लें और खुशहाली पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है सभी किसान भाइयों से निवेदन एक ही है कि भैया आलू डंप है, टेम्परेचर इस बार अगर देखा जाए तो पिछली बार से कहीं ना कहीं ज्यादा हो गया होली के कुछ ही दिन बाद, और माना जाए तो कहीं ना कहीं आलू भी इस बार डैमेज हो रहा है, डंप वाला जो आलू है। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि अपने आलू को जितना जल्दी बेचेंगे उतना ही जल्दी बेस्ट रहेगा, और कोल्ड वाला आलू है उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहेंगे तो लगातार बेचता रहेगा, और अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए 2024 उज्जवल है। ये अपडेट था छिबरामऊ आलू मंडी का। आज की जानकारी पसंद हो तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।